अरे वाह भाई वाह, आज तो हमारे फेवरेट कोफ्ते बने हैं, क्या बात है। ये ले बेटा, कोफ्तों का तो अपना ही मजा होता है। क्या हुआ बाबा? बाबा क्यों ओके? क्या हुआ बाबा? हम पानी दे। पानी पानी। बाबा क्या हुआ? क्या हो गया? किसने बनाया ये खाना? जहर, इतनी मिर्चें। सुरैया, ये क्या बनाया तुमने? तुम इतने दिन से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कैसा खाना खाते? उठाओ ये ले जाओ और ये अपने घर वालों को खिलाना ताकि पता चले कि कैसा बनाया तुमने। आप अपने नौकरों को संभाल नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते कि किस तरह का खाना बनाना चाहिए? मुझे तो यकीन नहीं आता सुरैया ये हरकत कैसे कर सकती है। अच्छा मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मैं पिज्जा खाऊंगी। मम्मा आप क्या खाएंगे? हमारे लिए कुछ मत करो, हम ये खा लेंगे। पानी दे। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा भूख तो नहीं लगी? ये हशर करते हैं घर के मुलाजिम, घर का इतने पैसे लगते हैं कोफ्ते बनाने में, सारी हांडी का सत्यानाश मार दिया। मामा को भी मेरा किचन में जाना पसंद नहीं, जैसे मैं अछूत हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली आप नई नवेली दुल्हन है इसलिए मामा नहीं चाहती कि आप अभी से किचन के कामों में लग जाएं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा ऐसे ही सच समझ के मेरे सामने रहो। आपने मुझे घर के काम करने से मना किया, मुझे लगता है ये बात भी मामा को बुरी लग गई, इसीलिए उन्होंने घर के कागजात मेरे नाम पे होने से मना कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद मुख्तार हो जाएं। बाबा ने सारे अख्तियार मुझे दिए हुए हैं, वो तो बस अकाउंट्स चेक करते हैं, बट तुम प्लीज़ परेशान ना हो, मैं मौका देकर बाबा से इस मामले में बात करूँगा। नहीं नहीं रहने दें, पता नहीं बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाबा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही सोचेंगे। तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाती हो? मैंने कहा ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं घर का कोई भी काम करने की, बस यूं ही मेरे सामने रहा करो। ठीक है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना। खाना के ऑर्डर आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ, सुबह से बाहर थे भूख लगी होगी। ठीक है ना, जाओ ना। जूस। Yes? बाबा वो मैं वलीद के लिए जूस बना रही थी तो सोचा आपको भी। अरे थैंक यू मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। बैठो। आपसे एक बात करनी थी बेटा। जी। आप यहाँ पे खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप और मामा जैसे माँ बाप मिले, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। जी जी बेटा कहो। वो घर मेरे नाम करने वाली बात मेरी नहीं वलीद की अपनी ख्वाहिश थी, मैंने तो वलीद से कभी एक रुपए की भी फरमाइश नहीं की। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ आप लोगों का खुलूस है, मुझे जो भी इस घर में मिला है मेरी हैसियत से बहुत बढ़कर है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वरना ऐसी शादी को कौन कबूल करता है।